इट्स लाइक ए हग बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द सिख कम्युनिटी टुडे। आज का इंटेक मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला वो ये है कि कौम धर्म ज़रूरी है लेकिन यूनिटी देश की उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी डिस्कस टुडे वॉज द ड्रग इशू इन पंजाब। नाउ वी सी मोर ऑफ यूथ इवन फ्रॉम एनरिच्ड एनवायरमेंट्स फ्रॉम फैमिलीज विच आर डूइंग वेरी वेल सोशो इकोनॉमिकली दे आर ऑल्सो गेटिंग इन टू ड्रग्स। सो सर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अस रीड मोर इन टू द टॉपिक, एक्सप्लोर मोर अबाउट द इशू एंड रेज कंसर्न्स अबाउट सच थिंग्स एट अ लार्जर लेवल। जितना चिंतित और जितना कंसर्न प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं सिख समुदाय के लिए, कम से कम मैंने भी 37 साल की सर्विस की है रिटायरमेंट से पहले, इस तरह का मुझे देखने को नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि हर सिख को, हर पंजाबी को, हर इंडियन को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। इस देश के इतिहास के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिले जो हमेशा हर समुदाय को, ये नहीं कि खाली सिख समुदाय, सारों को इकट्ठा लेके चलने की बात की जाए। और जैसे उन्होंने आज हमें खुद इनवाइट करके यहाँ पर बातें की, जिस तरीके से हमको अपने विचार बताए कि जो इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो हमारे मनों के अंदर में थी उसका भी बड़ी क्लैरिटी हुई। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 7 सालों में खासतौर से दिल्ली के सिखों के लिए जो SIT बना के 1984 के कातलों को अंदर किया, उसका दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत उनका सत्कार है। आज मोदी साहब के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा। एक इतने बड़े लीडर के साथ जमीनी तौर पर जुड़कर देश की छोटी छोटी समस्याओं पर डिस्कशन करना बहुत प्रभावी रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उनको पूर्ण बहुमत दें हर एक राज्य में, तो वो देश का मुस्तकबिल, देश का फ्यूचर प्रॉपर तरीके से बदल सकते हैं और हमें उस रास्ते में ले जा सकते हैं जिसके हम कामना करते रहे हैं। मोदी जी को देख के ही पहले तो उनका ऑरा से ही प्रभावित हुए, रियलाइज़ किया वो कितने सेंसिटिव हैं हर एक इशू पे। अब स्पेशली जैसे हम सिख माइनॉरिटी से हैं, फिर भी उन्हें हर एक बारीकी की चीज़ के बारे में मालूम है। पंजाबी चाहे वो लैंग्वेज क्यों ना हो, उन्होंने बताया कि जो मातृभाषा है हमारी वो कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इतना इनफॉर्मल माहौल मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि ऐसा हो सकता है। बहुत ही एक अच्छा महसूस हुआ जिस तरह उन्होंने समझने की कोशिश की कि सिखों के मन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या भावनाएं हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ वन अस ऑल ओवर बाय मेकिंग इट अ नेशनल सेलिब्रेशन, द सेलिब्रेशन ऑफ द सेंटेनरी ईयर ऑफ 550th ईयर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। एंड ऑफ कोर्स गुरु तेग बहादुर जी की जो शताब्दी है वो उसके लिए जो किया जा रहा है। सो देर इज़ अ लॉट दैट फॉर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे एंड द मैसेज ऑल्सो ट्रांसवर्सेज टू द होल ऑफ द वर्ल्ड अमंग द सिख डायस्पोरा सिटिंग ऑल ओवर।